चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का वैक्सीन की कमी को लेकर बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर कुछ विपक्षी नेताओं ने भ्रम फैलाने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी सरकार दिसंबर तक वैक्सीनेशन को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही है। इसी के मद्देनजर ये भी उम्मीद है कि सभी को वैक्सीन की दोनों डोज लग जाएं। वहीं तीसरी लहर को लेकर मंत्री सारंग ने कहा कि तीसरी लहर के लिए डॉक्टर्स को काउंसलिंग दी जाएगी, जिससे जनता और प्रशासन दोनों परेशान ना हो। आकर्षण का ही कारण है कि वैक्सीन को लेकर लगातार लोग उत्साहित हैं। कुछ विपक्ष के नेताओं और कांग्रेस के नेताओं ने भ्रम फैलाने की कोशिश की थी, अफवाह फैलाने की कोशिश की थी, परंतु अब वो सभी अफवाहें निर्मूल हो गई, खत्म हो गई। पूरे देश में वैक्सीन की सुचारू आपूर्ति हो रही है। जून के महीने में केंद्र सरकार ने 11 करोड़ डोज दिए थे, तो जुलाई के महीने में 13.5 करोड़ डोज दिए गए पूरे देश में। तो इसका मतलब वैक्सीन तो लगातार बढ़ रही है, उसका उत्पादन बढ़ रहा है, पर इसके साथ ये भी सुनिश्चित है कि लोगों में उत्साह भी बहुत है। पर जिस हिसाब से केंद्र सरकार का स्केड्यूलर है, कैलेंडर है, कि दिसंबर तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरी तरह से निष्पादित हो, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो पूरा हो जाएगा।